हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसल्टिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या आप बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पांच कंपोनेंट्स होते हैं टोटल। पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड होता है वेयर हाउसिंग, थर्ड होता है इन्वेंट्री कंट्रोल, फोर्थ मटीरियल हैंडलिंग एंड फिफ्थ इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, देखिए ये सारे कंपोनेंट्स है, यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कस्टमर। ठीक है, तो इस सब कंपोनेंट्स का यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसलिए यहाँ पे बीच में कस्टमर को बीच में रखा गया है। ठीक है, तो इनका क्या वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, और जो हमारा जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज हमें करना है। ठीक है, आई होप आपको वाली चीज़ क्लियर हो रही हो। देखिए, तो फिर हम पहला कंपोनेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो देखिए आप इसको जो मैंने अभी आपको कंपोनेंट टॉपिक बताया है, आप अगर आपके एग्ज़ाम में आता है स्कोप क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या आपका लॉजिस्टिक्स का, तब भी आपको ये कंपोनेंट्स लिखने हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं, तो भी आपको यही सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी है। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन है पहला कंपोनेंट, इसको हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इज द फिजिकल मेन वेयर बाय प्रोडक्ट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, एक मिनट के साइड में से दिख नहीं रहा है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा कैमरा को ऊपर कर लेती हूँ। देखिए अभी वो कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ ये वाली लाइन जो वर्ड कट रही है ये मैं कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्ट इज द फिजिकल मीन्स वेयर बाय प्रोडक्ट आर ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो ट्रांसपोर्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की मदद से जो हमने गुड्स बनाए हैं जो कि अभी प्रोडक्शन प्लेस पे है, उसको हम कंजम्पशन प्लेस तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्शन प्लेस मतलब जहाँ पे आपने गुड्स को बनाया है, कंजम्पशन प्लेस मतलब जहाँ पे उसको कंज्यूम किया जाएगा, उसको यूज़ किया जाएगा, मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कस्टमर तक वो पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस द गैप बिटवीन द, चलिए मैं ऐसे बुक शिफ्ट कर लिया करूँगी, ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस द गैप बिटवीन द कंज्यूमर एंड द, आई होप आपको दिख रहा हो, बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो गैप होता है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोड्यूसर है देहरादून में और कंज्यूमर हरिद्वार में, तो देखिए इन दोनों के जो जो फिजिकल गैप है वो ज़्यादा है, तो आप ट्रांसपोर्ट की मदद से इस गैप को आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाइस चीज़ क्लियर हुई हो। फिर यहाँ से हम पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन आल्सो लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। देखिए जब आप किसी ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल आपने अपना सामान मतलब कस्टमर तक पहुँचाने के लिए किसी ट्रक का यूज़ किया है, मतलब आप थ्रू ट्रक के थ्रू आप कस्टमर तक वो सामान पहुँचाएंगे, या किसी गाड़ी के थ्रू आप पहुंचाना चाह रहे हैं, तो देखिए उसका भी खर्चा होता है। ठीक है, तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि आपको ऐसा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है जो कि आपको ज़्यादा खर्चा भी ना हो जिस ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, देयरफॉर प्रॉपर केयर शुड बी टेकन इन चूजिंग अ सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आपको जब भी आप ट्रांसपोर्ट चूज़ कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रख के चलनी है कि हमें कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। द डिसीजन शुड नॉट बी टेकन ओनली ऑन कॉस्ट कंसिडरेशन। यहाँ पे लिखा है कि आपको सिर्फ कॉस्ट को ध्यान में रख के डिसीजन नहीं लेना है ट्रांसपोर्ट का, देखिए कॉस्ट भी मेन चीज़ है, आपका खर्चा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन बट द स्पीड रिलायबिलिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड बी केप्ड इन द माइंड। देखिए कॉस्ट के साथ साथ खर्चे के साथ साथ आपको किस बातों का ध्यान रखना है कि उस ट्रांसपोर्ट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उस ट्रांसपोर्ट की स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपको आपको जो सामान पहुंचवाना था वो आपको 2 दिन के अंदर पहुंचवाना था, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, उस जो आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ किया उससे 4-5 दिन बाद सामान पहुंचा। तो आपको ऐसा ट्रांसपोर्ट लेना है कि जिसकी स्पीड अच्छी हो, जो रिलायबल हो, ठीक है। रिलायबल मतलब जो सही हो, जिसके ऊपर आप हाँ भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर रहा हूँ ये 2 दिन में सामान पहुँचा देगा। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है जो मतलब कि जो आप प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को आप जिस जिन भी प्रोडक्ट को जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, जिस प्रोडक्ट को आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू भिजवा रही हैं, वो ट्रांसपोर्ट इस प्रोडक्ट के लिए जो आपने बनाए वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि आपने बस कोई सा भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लिया बिना ये सोचे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट यूज़ करना जिस हिसाब से आपका प्रोडक्ट भी बना हुआ है, ठीक है। ऑफ वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड ऑल्सो बी केप्ड इन माइंड, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की क्लासेस यहाँ पे कुछ बता रखे हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट, सेकेंड होता है रोड ट्रांसपोर्ट, थर्ड होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, फोर्थ होता है एयर ट्रांसपोर्ट एंड फिफ्थ इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली 5 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इनको मैं एक्सप्लेन करना आपको कल की क्लास में समझाऊंगी। देखें यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट की एडवांटेज है, फिर उसकी डिसएडवांटेज भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम रोड ट्रांसपोर्ट वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक मैं आपके कल से स्टार्ट करवाऊंगी। तो आई होप आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी हो। बस मैंने आपको थोड़ा सा ही इसमें कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाया है, ट्रांसपोर्टेशन आज हमने पढ़ा है। अगर इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होती है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।